वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सरल और प्यारी सी डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो 6 सिलाई और 6 फंदी से बनकर तैयार होगी। आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 6 के गुणाकार में फंदे डाले हैं, टोटल 25 फंदे मैंने लिए हैं। 6 6 6 प्लस 5 5 हमें हर बार लेने होंगे और प्लस 2 दो साइड में एच स्टिच के रूप में। तो इस तरह से 25 फंदे से मैं ये आपको ट्यूटोरियल बताऊंगी। 6 के गुणाकार में आप फंदे एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें हर एक डिज़ाइन बनाने के लिए बॉर्डर बनाना होता है। तो यहाँ पर मैं 2-3 सिलाई उल्टी सीधी बना लेती हूँ। पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे फिर सीधी, और पहली रो जो है वह हम यहाँ पर बनाएंगे सीधे फंदे से, और 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। अंग्रेजी में पर्ल कहते हैं उल्टे फंदों को, और सीधे फंदे को नीट कहते हैं। एक फंदा हम उतार लेंगे, 5 उल्टे फंदे यानी कि पर्ल, और जो सीधा फंदा है उसे नीट कहेंगे। तो इस तरह से ऊपर जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है उसे आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। 5 फंदे हम उल्टे बना रहे हैं, और एक फंदा जो है इसे हम स्लिप कर रहे हैं। 1 2 3 4 और ये 5, और लास्ट फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब दूसरी सिलाई हम यहाँ पर बनाएंगे, एक एच स्टिच का फंदा उतार लेंगे और 5 फंदे हम नीट करेंगे यानी कि सीधे बुनेंगे। यहाँ पर 2 3 4 और ये 5, और एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। जो फंदा हमने उतारा था उसे हम उल्टा बनाएंगे। इस तरह से 5 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा, इस तरह से हमें यहाँ पर पूरी सिलाई को बुनते हुए चले जाना है। एक फंदा हमें उल्टा और 5 फंदे सीधे, सीधे को नीट कहेंगे, उल्टे को पर्ल कहेंगे। तो इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। अब तीसरी सिलाई हम बनाएंगे। तीसरी सिलाई में एक हमने फंदा उतार लिया है, फिर 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, पर्ल बनाएंगे 5 फंदे। अब काउंट करके एक एक फंदा करते जाइए, और एक फंदा हम स्लिप करेंगे। 1 2 3 4 और 5, और इसके बाद एक फंदा सीधा जो है उसे स्लिप करेंगे। धागा हम उसी तरह से आगे पीछे करते चले जाएंगे, पीछे किया धागा और फिर आगे किया, और फिर हमने उल्टे फंदे बुन लिए। उल्टे फंदे बुनने के लिए और सीधे फंदे बुनने के लिए हम धागे को सेट करते जाएंगे। अब हम यहाँ पर चौथी सिलाई बनाएंगे। एक फंदा, 5 फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे, और एक फंदा यहाँ पर हम उल्टा बनाएंगे। फंदा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और धागा पीछे करेंगे। फिर यहाँ पर 5 फंदे सीधे बना देंगे, धागा आगे, एक सीधा, फिर धागा पीछे, 5 फंदे। इस तरह से हम 4 सिलाई हमने यहाँ पर बना ली है, पहली सिलाई, दूसरी, तीसरी और चौथी। इस तरह से ये सिलाई हम पूरी कर लेंगे। 5वीं सिलाई हमें थोड़ा ध्यान से बनानी होगी। एक कुंदा उतार लेते हैं और फिर 2 कुंदे बना के धागा पीछे करेंगे। 4 पॉइंट नीचे उतरने के बाद एक लूप बना देंगे, और लूप में से सीधी तरफ से बनाएंगे लूप, और फिर धागा आगे करके हम एक उल्टा फंदा बनाएंगे। उल्टा फंदा बनाने के बाद धागे को हम
फिर से पीछे करेंगे और उसी जगह से फिर से एक लूप बनाएंगे सीधी साइड से, और फिर से धागे को आगे करेंगे और दो कुंदे एक साथ बुन लेंगे और इसके बाद वाले कुंदे को स्लिप कर देंगे। फिर से हम दो कुंदे बुनेंगे सीधे उल्टी तरफ से, फिर एक लूप बनाएंगे चौथे पॉइंट से नीचे की तरफ, चार कुंदे गिनने हैं और एक लूप बनाना है। फिर धागा आगे करेंगे, एक कुंदा उल्टा बनाएंगे और धागा पीछे करके फिर से एक लूप बनाएंगे उसी जगह पर, और फिर उसके बाद धागा आगे करके हम दो कुंदे एक साथ उतारेंगे। नेक्स्ट फंदे को हम स्लिप करके उतार लेंगे और फिर वही क्रिया हम रिपीट करते चले जाएंगे। हर छह फंदे के अंदर हमें इसी तरह से रिपीट करना है। ये पांचवी लाइन आपको ध्यान से बनानी है। चार लाइनें तो एकदम सिंपल हैं और ये पांचवी लाइन में थोड़ा सा ट्रिकी है जो हमें ध्यान से बनाना होगा, इसीलिए मैं इस पांचवी लाइन का रिपीटेशन आगे कर रही हूँ। वीडियो को अंत तक देखते जाइए। छठी सिलाई बनाने के बाद का जो सैंपल है वो बहुत छोटा सा है, जल्दी हमारी समझ में ना आए इसलिए मैंने थोड़ा सा पार्ट बना के उसके बाद पांचवी सिलाई का रिपीटेशन यहाँ पर किया हुआ है। आगे आप वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए छठी सिलाई जो है इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर बना के बता रही हूँ, बाद में लास्ट में भी मैं बताऊँगी, पर यहाँ सैंपल के लिए आप देख लीजिए। किसी भी डिज़ाइन कंप्लीट होगी तो कुछ इस तरह की दिखाई देगी, जो कि बहुत ही क्लियर हमें समझ में नहीं आ रही, इसलिए मैंने फिर से इसका रिपीटेशन थोड़ा सा सैंपल बनाने के बाद आगे किया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये बहुत छोटी सी डिज़ाइन है, तो मैं एक और आपको रिपीट करके बता रही हूँ। मैंने पहले चार सिलाई बना ली है, अब एक बार डिज़ाइन वाली जो सिलाई है उसे फिर से आप लोग देख लीजिए। एक फंदा हमने बनाया और इसे एस स्टिच के रूप में उतार लेंगे हम। फिर हम दो कुंदे एक साथ बुनेंगे और धागा पीछे की तरफ करेंगे, और जो चौथा कुंदा है सेंटर में नीचे, ऊपर से हम गिन लें जो चौथा है, एक दो तीन और चार, इसे यहाँ पर सीधा लूप हम बनाएंगे इस तरह से, और धागा फिर आगे करेंगे, एक उल्टा कुंदा बनाएंगे यहाँ पर और फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से एक लूप बनाएंगे और धागे को आगे करेंगे, पर्ल स्टिच बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से, धागा पीछे स्लिप करेंगे, धागा जो है फिर उसे हम आगे कर लेंगे, दो फंदे एक साथ, पर्ल स्टिच बैक साइड में लेंगे, लूप बनाएंगे यहाँ पर चौथे सेंटर से, फिर धागा हम आगे की तरफ कर लेंगे, एक पर्ल स्टिच बनाएंगे, धागा पीछे, फिर सेंटर पर एक लूप, धागा आगे, दो कुंदे एक साथ और फिर धागा पीछे, इसे हम स्लिप कर लेंगे, धागा आगे, दो एक साथ, धागा पीछे, सेंटर में यहाँ पर हम चार पर इसे लूप बना लेंगे। इस तरह से आप ये पूरी सिलाई जो है, पांचवी सिलाई जो है, ये सिर्फ आप अगर ध्यान से बनाते हैं तो ये पूरी डिज़ाइन सेट हो जाती है। चार सिलाई तो हमें सिर्फ पांच कुंदे सीधे, पांच कुंदे उल्टे और एक स्लिप, इस तरह से बनाना है। पांचवी सिलाई पर ही हमें ध्यान देना है। ये इतनी अच्छी डिज़ाइन है कि आप बच्चों के कार्डियन हो, फ्रॉक हो, जेंट्स के स्वेटर्स हो, या फिर लेडीज़ के कोई भी प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर आप इसका उपयोग
कर सकते हैं। मफलर वगैरह अगर बनाने हैं तो उसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बेबी फ्रॉक बनाना है उसमें भी इसका उपयोग किया जा सकता है। कहीं पर भी इस डिज़ाइन को आप यूज़ कर सकते हैं। बेबी ब्लैंकेट में भी ये बहुत ही अच्छी और प्यारी लगती है और एकदम हल्की, यानी जैसे कि डबल ऊन होने से कुछ यानी वजन भी नहीं होता, बिल्कुल सरल और हल्की डिज़ाइन है। अब बिगिनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। अब जो लास्ट छठी सिलाई है उसे भी आप देख लीजिए कि यहाँ पर एक एज स्टिच है उसे हमें उल्टा बुन लेना है, फिर 5 नेट फंदे यानी कि सीधे फंदे हमें यहाँ पर बुनने हैं ये छठी सिलाई में इस तरह से, और जो फंदा हमने स्लिप किया था उसे हमें धागा आगे करके उल्टा बुन देना है, फिर 5 कुंदे हमें यहाँ पर सीधे बुनने हैं, 2, 3, 4 और ये 5 धागा आगे करेंगे, 1 उल्टा बुनेंगे और धागा पीछे, 5 कुंदे हम। तो इस तरह से ये पूरी लाइन, पूरी सिलाई, जितना भी बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है उसे इसी तरह से आप अगर रिपीट करते जाएंगे तो बहुत ही प्यारी डिज़ाइन ये बनकर तैयार हो जाएगी। आसान तरीके से बनने वाली बहुत ही सरल ये डिज़ाइन है, बिगिनर्स भी इसे बहुत ही आराम से बना सकते हैं। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, देखिए कितनी सुंदर और प्यारी लगती है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए क्योंकि आपके विचारों से ही मुझे प्रोत्साहन मिलता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।